फ़र्स्ट क्वेश्चन है सर जैसे हम फैमिली बिज़नेस है हमारा तो उसके अंदर सर्टेन फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व है तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं आगे जो भी करना चाहता हूँ कि मैं खुद के बेसिस पर करूँ अगर मैं खुद का कुछ करता हूँ तो उससे मेरे को रिस्क मेरी होगी जो भी अप्स एंड डाउनस होंगे वो मेरे होंगे तो उससे मेरे को वो बेनिफिट मिलेगा फैमिली बिज़नेस के अंदर अगर मैं उस टाइम पे जाता हूँ तो, तो इसमें सर आपका क्या टेक है कि इज़ इट राइट कि वी हैव अ प्लेटफॉर्म वी कैन टेक दैट और we can start by zero. आपको अपना ही करना चाहिए वो ही बेटर है क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको जो सीखने को मिलेगा वो आपको फैमिली बिजनेस में कभी भी सीखने को नहीं मिल सकता क्योंकि वहाँ पर तो पहले ही आपके जो पेरेंट्स हैं और जो भी और एल्डर्स हैं वो सब बैठे हैं वहाँ पर तो उन सबका बेसिकली एक माइंड बना होता है ऑलरेडी कि ये सही है ये गलत है उसमें तो आपको उनको फॉलो करना होगा उससे बाहर आप जैसे ही ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपको रोक दिया जाएगा hmm. तो आप गलतियाँ नहीं कर पाओगे अगर उनके अंडर काम करोगे तो जब गलतियाँ नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे सो बिजनेस इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम एज़ क्विकली एज पॉसिबल मतलब बेसिकली छोटे छोटे रिस्क लेने होते हैं छोटे छोटे स्टेप्स उठाने होते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत हो जाती हैं तो पहले ये माइंड में सोच के चलते हैं कैलकुलेशन करके चलते हैं कि अच्छा इतना हमने एलोकेट किया हुआ है इतना तो डूबेगा ही डूबेगा प्लस हमें ये भी पता होता है कि अगर इन दस स्ट्रैटेजीज में से एक भी स्ट्रैटी क्रैक हो गई तो वो दस के दस एक तरफ और ये अकेला एक तरफ वो पूरी लाइफ के लिए आपको एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है आपको बिजनेस में कुछ बड़ा करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए होती हैं सिर्फ एक यूनिक स्ट्रैटेजी क्रैक करनी होती है अगर वो एक स्ट्रैटेजी आप क्रैक कर सकते हो तो फिर ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाता है बट वो ओवरनाइट चेंज होने के लिए कई महीने कई साल लग जाते हैं ये गेम है बिजनेस का अब आपके पास में दो ऑप्शन है एक ये है कि वो स्ट्रैटेजी जो ऑलरेडी आपके फैमिली बिजनेस में वो लोग क्रैक कर चुके हैं मे बी दस साल पहले बीस साल पहले तीस साल पहले उसी को आप फॉलो करते चले जाओ बट दैट मे और मे नॉट बी रिलेवेंट इन टू डेज वर्ल्ड प्लस फ्यूचर पता नहीं उसका कैसा होगा स्कोप और ग्रोथ दूसरा क्या है कि आज की दुनिया को आप समझ करके अपने बेस पर जितना भी रिस्क आप उठा सकते हो बेस्ड अपॉन या फाइनेंशियल कंडीशन जितना भी आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर रहे हैं रिस्क लेने के लिए ले, तो उनको बोल सकते हो कि यार मेरे को आप इतना पैसा दे दो मुझे खेलने दो दो तीन साल लेट मी प्ले विद इट आप मत बताओ मुझे मुझे क्या करना है अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं आपसे पूछ लूँगा तो मुझे खेलने दो इससे क्या होगा इन द या तो वो डूब जाएगा बट वो भी डूबेगा नहीं अगर आप स्मार्टली चलोगे तो अगर ये बात आपको मेरी समझ आ रही है कि दस में से एक ही स्ट्रेटेजी काम करेगी मतलब अलग अलग चीजें ट्राई करोगे तो नौ आपको पहले ही पता होगा कि वो फेल फेल होने होने वाली वाली है है बट ये नहीं पता कौन सी फेल होने वाली है। और ये नहीं पता उस दस में से कौन सी चलने वाली है बराबर बट ये नौ जो फेल होती है ना वो हमें कई बार लगता है फेल है बट वो एक्चुअली फेल नहीं होती क्योंकि वो नौ सारी की सारी काम आ जाती है एक ऐसा पॉइंट आ जाता है वो जो भी आपने किया होता है ना उसमें कुछ ना कुछ सीखा होता है तो वो जो दसवा होता है ना वो नौ फेलियर्स के बिना हो ही नहीं सकता मतलब कि अगर आपने वो नौ चीज़ें नहीं करी होती तो नौ चीज़ों को मिला करके दसवीं चीज़ नहीं बन सकती थी हाँ वो नौ चीज़ अगर कंप्लीट नहीं होती तो वो दसवीं चीज़ के अंदर अप्लाई नहीं हो पाती और उस चीज़ का बेनिफिट अपन उस चीज़ के अंदर नहीं ले पाते मतलब वो आप कर ही नहीं पाते इसको एज सिंपल एज दैट क्योंकि नौ से कुछ ना कुछ आपने सीखा ना फिर वो जो सीखा वो कुछ भी हम लाइफ में सीखते हैं ना स्पेशली बिजनेस में वो काम आता है पता नहीं होता कैसे काम आ जाता है कहाँ काम आ जाता है बट काम आता है आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस ट्राई किया वहाँ से कुछ सीखा फिर कुछ और किया वहाँ से सीखा फिर ऑफलाइन किया वहाँ से सीखा फिर शेयर्स का किया वहाँ से सीखा तो हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा ना बस क्या है कि कैडेट अवे नहीं होना है आपको पहले माइंड में एक बजट बनाना है कि मेरा दो लाख का या पाँच लाख का बजट है जो पीछे से मुझे, मुझे मिला है इसको मुझे दस अलग अलग कामों में डिवाइड करना है ये नहीं कि एक्साइटेड हो गए कि अब ये पाँच लाख का पांच लाख मैंने एक ही बिजनेस आइडिया में डाल दिया इस पर मुझे पूरा भरोसा है पूरा विश्वास है अब वो पाँच लाख डूबा तो अब आप कहीं के नहीं रहे जैसे बिजनेस का जो माइंडसेट है और जॉब का है उसमें यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जॉब में क्या होता है कि बेसिकली आपको पहले एक लाइन पकड़नी होती है उसी में और डिग्रीज और डिप्लोमाज लेने होते हैं फिर अपने रिज्यूम को बढ़िया करना होता है फिर जा कर के पिच करना होता है बिजनेस में ऐसा नहीं होता है बिजनेस में क्या चाहिए होता है यू नीड टू हैव डाइवर्स एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो एंड में सब काम आते हैं कोई एक ऐसा काम करने के लिए जहां पे वो सारे डॉट्स जा करके कनेक्ट हो जाते हैं इट्स कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट्स कनेक्टिंग द डॉट्स वो सब जुड़ जाता है और फाइनली कुछ ऐसा निकल करके आता है विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन जो किसी ने सोचा भी नहीं होता है वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको वो आठ दस चीजें तो ट्राई करनी ही पड़ती है एक्सेप्शन हाँ, देर कभी कभी ऐसा भी होता है कि दस चीजें आपको ट्राई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आप एक ही करते हो वही चल जाती है ये दूसरी चल जाती है तीसरी चल जाती है पांचवी चल जाती है बट माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे दस चीजें ट्राई करनी है तो फिर आपने जो भी पांच लाख का बजट है उसको दस चीजों में डिवाइड कर दिया आपने कहा कि अब अगर मैं स्टॉक मार्केट में जा रहा हूं तो मैं पचास हजार से ऊपर नहीं गवाऊंगा इससे ऊपर मैं लॉस नहीं उठाऊंगा यह नहीं कि उस लॉस को रिकवर करने के लिए जैसे गैम्बलर्स करते हैं लाख ही डुबो दो कि एक जगह लगाया उसके अंदर वो बढ़ा तो ठीक नहीं बढ़ा तो वो पूरा गया बिजनेस इज नॉट गैम्बलिंग बिजनेस इज बेसिकली प्रोवाइडिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द कस्टमर दैट मे बी अ प्रोडक्ट और अ सर्विस जिससे कि एक्चुअल में सामने वाले की कोई नीड या उसका कोई डिजायर या उसकी लाइफ किसी तरीके से बेटर हो रही हो ये है बिजनेस तो इट्स नॉट बट लोग में क्या में। करते हैं गैम्बलिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जैसे स्टॉक मार्केट में भी बहुत लोग गैम्बलिंग करते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ग्रीड एंड फियर ग्रीड एंड फियर द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग अ बिजनेस तो वहां पर ग्रीड और फियर दोनों आपको तंग करेंगे क्यों क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा रिजल्ट आने लग जाएगा अब आप एक्साइटेड हो जाओगे पता लगा एक ही क्लाइंट को उधार देना चाहिए था बीस हजार का पचास हजार का आपने उसको जाकर के उधार दे दिया पांच लाख का फिर उसने हाथ खड़े कर दिए <laughs> उसने कहा जाओ मैं तो नहीं दे रहा पैसे तो आपके तो सारे पैसे एक ही जगह पर डूब गए ना तो आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि मुझे इससे ऊपर इस धंधे में नहीं डालना है अगर कुछ क्लियर नजर आया तो उसी पैसे को री इन्वेस्ट कर दूंगा <laughs> उसमें कोई बुराई नहीं है तो डूबा भी तो अगर मानो आपने पचास हजार रुपए से एक लाख कमाया और एक लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साढ़े चार लाख आपके पास में साइड में पड़ा हुआ है और नौ जो चीजें हैं वो ट्राई करने के लिए वो ट्राई करने के लिए बट अगर आपने पूरा का पूरा वहीं एक ही जगह पे डुबो दिया तो गड़बड़ हो गई तो ये बात हमेशा याद रखनी है पचास हजार से पांच लाख कमाओ उस पांच लाख को डुबो दो कोई दिक्कत नहीं है हुँ. क्योंकि पचास हजार से आपने पांच लाख कमाया ना बट अभी भी साढ़े चार लाख एज इट इज पड़ा हुआ आपके तो है आपके एज एट इज और कुछ ट्राई करने के लिए उसमें भी पचास से ऊपर मत लगाओ तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलो तो आपकी सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी हंड्रेड पॉस् हो गई बेसिकली कैपिटल एलोकेट कर दो कि जहाँ पे अपने को लगता है कि इस बिजनेस के अंदर स्कोप है और आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है तो उधर इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा अगर वहां पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो उसी पैसे को वापस री इन्वेस्ट रोटेट कर, कर, कर दिया, रोटेट राइट उसी को री इनवेस्ट करते चले गए करते चले गए करते चले गए वो ग्रो करता चला गया डूबा भी तो कोई टेंशन नहीं है अभी डूब भी गया तो आपके पास में डूबेगा जितना अपन ने कमाया है क्योंकि उसके अंदर से भी अपन रोटेट दूसरे बिजनेस के अंदर अगर अपने को प्रोस्पेक्ट अच्छा लग रहा है तो अपन उसके अंदर भी कैपिटल एलोकेट कर सकते हैं देखो बेटर स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आपने पहले अपना जितना भी पैसा है उसको दस पार्ट में डिवाइड कर दिया दैट कूड बी वन लाख फाइव लाख टेन लाख आपका बिजनेस बैकग्राउंड है उन्होंने दस लाख रुपए आपको दे दिया बोला कि अब इसके साथ में जो करना है करो तुम्हारी मर्जी अब एक बिजनेस शुरू किया उसमें आपको पहले ही पता है कि एक लाख से ऊपर मुझे लगाना ही नहीं है तो अगर कोई बिजनेस आइडिया ऐसा आ रहा है आपके माइंड में जहाँ पे पहले से आपको पता है कि मेरे को बीस लाख चाहिए पचास लाख चाहिए दस लाख चाहिए उसको छोड़ दो उसी बिजनेस को अलग तरीके से करो क्योंकि बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जिनका दिमाग बंद है ज्यादातर लोगों का क्या होता है वो अपना बहुत ही रिजिड हो जाते हैं बिजनेस को लेकर के वो ये सोचते हैं कि ये जो बिजनेस है ये इसी तरीके से हो सकता है और कोई तरीका ही नहीं है अरे नहीं बिजनेस को करने के लाखों तरीके होते हैं और लाखों बिजनेसेस हैं आप कर कितने पाओगे इतनी बड़ी लाइफ तो है नहीं कि आप लाखों ट्राई कर पाओ करोगे वही गिने चुने आठ तो जब दस ही करने हैं तो अच्छे से चूज करो ना पहले दस को जो आपको पता हो कि ये पचास पचास हजार रुपए में हो सकते हैं तो आपने पहले ही बफड़ लेके चला हुआ है

आप डर की वजह से रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो रिस्क मैनेज मतलब प्लानिंग यानी पता हो कि मेरे पास में कितना है उतना ही मैंने रिस्क लिया तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ बताइए और क्या क्वेश्चन है सर हाउ टू फाइंड राइट पीपल इन द बिजनेस टू बिल्ड अ टीम लाइक हाउ टू ट्रस्ट पीपल ईजिली यू शुड नॉट ट्रस्ट पीपल ईजिली क्योंकि अगर आप ट्रस्ट करोगे तो ट्रस्ट ब्रेक होगा आपका तो किसी को भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्या करो बिजनेस को इस तरीके से सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस में कन्वर्ट करो कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो मतलब उसमें कोई लूपोल मत छोड़ो क्योंकि अगर वो है तो मैनुपलेन होने के चांसेस हैं ट्रस्ट का सवाल कब उठता है जब कुछ गड़बड़ करने के चांसेस हो अगर आप सिस्टम को ऐसा बना दो कि उसमें गड़बड़ हो ही नहीं सकती तो फिर क्या दिक्कत है जैसे आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसको प्रॉपर बैंक के थ्रू करो ना कैश भी आएगा तो इससे ऊपर कैश आपके हाथ में नहीं रहेगा वो सीधा बैंक में जमा हो जाएगा ये जो क्वेश्चन उठ रहा है ना ये पता है कहां से उठ रहा है मैं बताता हूँ क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी उल्टे सीधे काम करते हैं टैक्स बचाने के लिए कोई बोलता नहीं है बट ये फैक्ट है और सबको पता है, है।, है।, है। तो वहां पर सारी ये गड़बड़ आ जाती है ट्रस्ट की क्योंकि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा आप किसी ना किसी पे उसको कैश दे रहे हो और पता है वो कैश दो नंबर का है पुलिस में भी जाके बोलोगे तो क्या बोलोगे क्या ही कौन सा पैसा लेकर के भाग गया कहीं उस पैसे की कोई अकाउंटिंग ही नहीं है राइट तो वहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स होती है बट अगर आप ये कच्चा लालच ना करो आप ये समझो कि बिजनेस आप कर क्यों रहे हो अल्टीमेटली यू आर डूइंग इट फॉर पीस ऑफ माइंड यू आर डूइंग इट फॉर फ्रीडम फ्रीडम तो फ्रीडम का मतलब क्या है कि आपको उसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े चौबीस घंटे अगर आपको होना पड़ रहा है तब तो वो जॉब से भी बदतर हो गया ना तब तो जॉब तो से भी गया गुजरा हो गया क्योंकि जॉब में तो फिर भी एक वेल well डिफाइंड है कि भाई आपको हफ्ते में से... इतने दिन इतना काम करना है बट अगर चौबीस घंटे आप बिजनेस में ही लगे हुए हो संडे को भी और छुट्टी के दिन भी और हर तरफ यही देख रहे हो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है वो पैसा इतना ले करके जा रहा है कहीं ये तो नहीं हो जाएगा वो तो नहीं हो जाएगा तो यू आर नॉट एन ऑनटरप्रन्योर बेसिकली यू आर काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जो हर एक चीज़ को माइक्रो मैनेज कर रहे हो तो मैं क्या कहूँगा पहले तो हर एक चीज़ को इस तरीके से सिस्टम्स एंड प्रोसेस में कन्वर्ट कर दो और बैंकिंग सिस्टम के थ्रू चलो जहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन होने के चांसेस ही ऑलमोस्ट जीरो परसेंट हो जाए कि कोई अगर चाहे भी तो घपला ना कर सके आपके बिज़नेस में बिज़नेस को इस तरीके से ऑनलाइन आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं उसमें क्या होगा आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को तो दे दो उसमें क्या बुराई है हाँ अगर, अगर अपन कुछ कमा रहे तो उसके अंदर गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आ रहे हैं तो उससे ग्रोथ ही हो रही है राइट और अगर गवर्नमेंट को आप टैक्सेस नहीं दोगे तो ये कंट्री चलेगी कैसे या कोई भी कंट्री कैसे कैसे चलेगी? चलेगी? अगर टैक्सेस हम नहीं देंगे तो तो अगर आपका ये माइंडसेट होगा कि मुझे जो भी काम करना है टिपिकली अगर लैंग्वेज में बोला जाए एक नंबर में काम करना है दो नंबर में करना ही नहीं है तो ये क्वेश्चन ही रिडेंडेंट हो जाएगा वहाँ पर इस क्वेश्चन की नीड ही नहीं है कि ट्रस्ट कैसे करें क्योंकि जब एक नंबर में है तो ट्रस्ट तो की जरूरत ही नहीं है अब तो बेसिकली क्या है वो बंदा आया उसको बताया कि भाई देखो ये एक प्रोसेस है पूरी जो आपको इसको फॉलो करना है अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो ठीक है नहीं कर रहा है तो बाहर है सिंपल है उसको अगर ठीक लग रही है आपकी कंपनी तो ठीक है उसको अगर वर्क एटमोस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी छोड़ के जा सकता है तो विन विन हो गया ना दोनों तरफ से यस सर अगर इस तरीके से आप चलोगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो ट्रस्ट की मेरे को नहीं लगता कि कोई जरूरत है तो सर फर्स्ट क्वेश्चन हाउ टू फाइंड द राइट पीपल विच दे फिट इन द पर्टिकुलर जॉब वॉट इज द डिफिनेशन ऑफ राइट पीपल आप राइट पीपल कितने कहते हो सर जो कि जो अपन ने काम डिफाइंड करा हुआ है वो एकदम सही से हो जो वो बंदा करे या फिर जो भी वो बंदी करे वैसा तो, तो अब इसमें कन्फ्यूजन क्या है जो आपने काम डिफाइन किया है अगर उसको अच्छे से करता है तो वो राइट है अगर नहीं करता है तो वो राइट नहीं है अब प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ होती है हम क्या चाहते हैं हमने उसको काम तो ये वाला दिया है जिस वक्त उस पर्सन ने ज्वाइन किया हमने कहा आपको ये काम करना है बाद में हम उससे छत्तीस काम और करा रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि अच्छे से नहीं कर रहा या अच्छे से नहीं कर रही तो पहले हमें अपने माइंड में डिफाइन करना है कि हमें उससे एक्सपेक्ट क्या है उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना है उसको प्रॉपरली एक रिपोर्टिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना है कि रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगी जो भी उसने किया नहीं किया उसका उसको देखना है हमारे सामने आ जाएगा डेटा कि वो जो उससे एक्सपेक्टेड था वो काम वो ढंग से कर रहा है कर रही है या नहीं कर रहा है नहीं कर रही है एक्चुअल में कोई अच्छा या बुरा कैंडिडेट नहीं होता है एक्चुअल में 99 नाइन परसेंट केसेज में गलती एक ऑन्टरप्रेनोर की होती है क्योंकि वो प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं करता है स्पेशली जो छोटे ऑन्टरप्रेनोर होते हैं स्पेशली वो ऑन्टरप्रेनोर जो अभी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं उनको खुद ही क्लियर नहीं होता है कि हमें सामने वाले से चाहिए क्या है तो वो कितना भी कर दें वो राइट right एम्प्लॉय हो ही नहीं सकते वो एंड में जाकर के रॉन्ग हो जाते हैं क्यों क्योंकि अगर उन्होंने सौ काम सही भी करे एक भी गलती करी तो हम कहेंगे बेकार है hmm. तो बेकार वो नहीं है बेकार हम हैं क्योंकि हमने प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं किया कि एग्जैक्टली exactly हमें उससे चाहिए क्या है ना उसे कम्युनिकेट किया फटाफट से उसको रिक्रूट कर लिया अपनी टीम में अब बोल रहे हैं तो ये भी कर वो भी कर वो भी कर वो भी कर रोज आ करके नई नई चीज़ें उसको बता रहे हैं वो भी कन्फ्यूज़ हो रहा है कह रहे है, कल तो आप ये कह रहे थे आज ये कह रहे हो चाहते क्या हो आप मन में बोल रहे हैं आपको नहीं बोल रहा फिर हम कह रहे हैं कि वो सही इम्प्लॉय नहीं है ऐसा नहीं है अगर आप प्रॉपरली डिफाइन कर देते हो ना चीज़ों को जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता हुँ. है कि वहाँ पर क्लियर होता है कि अच्छा ये रोल है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपने अच्छे से किया तो ठीक है नहीं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो प्रॉब्लम नहीं होती है तो सर ये छोटे ऑन्ट्रप्रिनस के अंदर ये क्लैरिटी कैसे आएगी कि वॉट इज द राइट लाइक द वे टू एम्प्लॉय पीपल पहले प्रॉपरली रोल को रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिवॉर्ड को और पनिशमेंट को डिफाइन करो इन चार चीज़ों को डिफाइन करो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को रिक्रूट किया अब आप कह रहे हो कि वो टाइम से नहीं आता इसलिए वो बुरा एम्प्लॉई है उसका टाइम है सुबह दस बजे का लेकिन रोज़ लेट आता है लेट आती है साढ़े दस बजे ग्यारह बजे और रोज़ एक नया बहाना होता है तो गलती उसकी है आपकी है सोचो गलती किसकी है दोनों की नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। दोनों की नहीं है आपकी है उसकी कैसे हुई क्योंकि आपने प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं किया कि उसमें पनिशमेंट क्या है आप ह्यूमन बिहेवियर को ही नहीं समझ पा रहे कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो कैसे कंट्रोल होता है थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट तो क्या आपने कोई पनिशमेंट को प्रॉपर्ली डिफाइन किया नहीं तो आप क्या कर रहे हो अगर वो लेट आ रहा है या आ रही है तो आप उसको वर्बली बोलते चले जा रहे हो उस वर्बली का कोई इफेक्ट नहीं होता है एज फार एज कि उसकी कोई एक्चुअल में कॉन्सिक्वेंस ना हो जैसे हमारी कंपनी में प्रॉपरली डिफाइंड है कि आपको लेट आना है आओ लेकिन महीने में इतनी बार इतना लेट आ सकते हो इतनी बार इतना लेट आ सकते हो इतनी बार इतना इतनी बार इतना, इतना इससे ज़्यादा आप लेट आओगे तो इतना डिडक्शन होगा इतना लेट आओगे तो इतना डिडक्शन होगा और अगर इतना एक्स्ट्रा काम करोगे तो इतना ओवर टाइम आपको मिलेगा ये भी डिफाइन करना होता है तभी फेयर हुआ ना कि आपने पनिशमेंट दिया तो रिवॉर्ड भी दिया ना पनिशमेंट लगा देंगे वो भी अनरीजनेबल रिजनेबल रिवॉर्ड देंगे नहीं रिवॉर्ड तो वो भी गलत हो गया वो पर्सन टिकेगा नहीं ज़्यादा टाइम तक आपके पास में अच्छा भी होगा तो नहीं टिकेगा सही बात और अच्छा और बुरा एक्चुअल में कुछ नहीं होता है इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द कि वो किस तरीके से एक सिस्टम एंड प्रोसेस को डिफाइन करता है हर एक चीज को अगर आप प्रॉपरली डिफाइन कर दो कि ओवर टाइम आप करोगे तो इतना पैसा आपको मिलेगा वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है अब अकाउंटेंट को बार बार आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा मिलेगा तो मिलेगा लेट आओगे तो कटेगा तो कटेगा अब वहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होगा म्यूचुअली डिसाइड करके आपने एम्प्लॉयज के साथ में बैठ करके एक प्लान बना लिया एक प्रोसेस को डिफाइन कर दिया और बोला किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो तो एक फेयर आपने एक सिस्टम बना दिया जिस जिसपे वो एग्री कर रहे हैं फिर उसके बाद में उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा उसके बाद फिर वो जो है वो सबके लिए सेम है अब हो सकता है उसमें एक्चुअल में किसी एक की कोई जेन्यून प्रॉब्लम आ जाए बट उसके लिए सिस्टम को चेंज नहीं किया जाएगा सिस्टम हाँ। पहले है बाद में वो एक इंडिविजुअल है दैट हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली नहीं तो रोज ही सिस्टम में चेंजेस होते रहेंगे hmm. एक आद को कभी, ना कभी नुकसान होगा मान लो उसका कोई जेन्य रीजन भी है जिस वजह से वो लेट आ रहा है तो उसके पैसे कट जाएंगे बट तो एक बार समझाओं भी गया तो बहुत बार ऐसा भी तो होता है आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो इट इस फेयर सिंपल है ना तो इस तरीके से चीजों को बैलेंस कर दो थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एंड बाय प्रॉपरली डिफाइनिंग द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉब्लम ही ना आए यू गॉट ऑल द आंसर फॉर योर क्वेश्चन Yeah, sir. Wish you all the best. Thank you, sir.